दिस इज़ बुशरा वेलकम टू समर पॉडकास्ट मुझे एक बात बताएं कि कुछ ज़्यादा नहीं हो गया या मैंने कुछ ज़्यादा सुन लिया है मतलब मुझे ना डाइजेस्ट नहीं हो रहा मतलब इमरान खान ने जनाब इमरान खान ने यही कह दिया कि वो कभी मिले ही नहीं थे बुशरा बीबी को निकाह से पहले तो ये ऐसे लगता जिसे डाइजस्ट नहीं हो रहा आज के ज़माने में हम इक्कीसवीं सदी में हैं ट्वेंटी चल रहा है ट्वेंटी आने वाला है और इमरान खान जनाब जो कि जिनका एक्सपोजर जो है कुछ ज़्यादा ही है इंटरनेशनली ही इज़ अ रेकग्नाइज मैन रेकग्नाइज पर्सनैलिटी और वो कहते हैं कि बुशरा बीबी को वो निकाह से पहले नहीं मिले जो कि मुझसे हजम नहीं हो रहा तो ऐसे लगता है जैसे कि वो मुझे वो ड्रामा याद आ गया काबली पिलाओ लाहौर से पेशावर से लाहौर तक का सफ़र तय हो गया और पता नहीं था कि भाई वो कौन है बेगम कौन है उनकी एंड में पता चलता है एक सीरियल एक सीन आता है सीरियल में और पता चलता है एंड में कि अच्छा ये इनसे निकाह हुए तो इमरान खान और बशरा बीबी के तालक जो वो बयान करें ना कुछ समझ नहीं आ रहा मतलब निकाह से पहले उन्होंने देखा ही नहीं मुझे नहीं समझ आती ज़रा कुछ कम कह देते ना जैसे कहते ना कि जरा कम अगर आप झूठ बोल देते तो क्या था मतलब कि आप उनसे मिलते भी थे मनी काला के नीचे किसी ने किराए पे घर भी लिया था जहाँ तक मेरा ख्याल है और मैं मेरे ख्याल से मैं ठीक बात कर रही हूँ और शी वाज अ स्पिरिचुअल हीलर आई गेस और कुछ इल्म भी रखती है वो खातून और इमरान खान की उनसे मुलाकात होती थी इस सिलसिले में भी तो ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा कैसे पॉसिबल है ऑन अर्थ इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप उनसे मिले नहीं और आपको पता भी नहीं कि आपका निकाह किससे और है मतलब यू आर अ कम्प्लीट मिच्योर मैन यू नॉट इन योर मिडल एज और आप अच्छी खासी एक पर्सनैलिटी और आपने निकाह कर लिया इतना आसान है निकाह करना तो आप आवाम को क्या जवाब दे रहे हैं आप आवाम को क्या एग्ज़ाम्पल सेट करके दे रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आ रही इसके अलावा अगर बात की जाए आने वाले इलेक्शन की तो हर पार्टी जो है ना कोई ना कोई मसलों में पड़ी हुई है मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो उनके आपस के मसले ख़त्म ही नहीं हो रहे टिकटों पर इतनी लड़ाई हो रही, रही हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा कौन कहाँ से सफ़र तय कर रहा है रातों रात और, रात और पहुँच रहे लाहौर गुजरा वाला फ्लॉँ 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 पंजाब में तो ऐसे चल रहे जैसे टिकटे छीनी जा रही है इसके अलावा अगर बात की जाए दो ऐसे शख्स की शख्सियात की तो ऐसी शख्सियात की तो मैं ये कहूँगी कि शायद मुश्किल उन पर दोबारा से आने वाली हैं कुछ ज़्यादा आने वाली हैं हमाद अजहर और हाफिज़ फरहत की मैं बात कर रही हूँ लगता है कि मुश्किलात उनकी तरफ रजू कर रही हैं उनसे मिलने जा रही हैं उनकी तरफ उन्होंने अपना रास्ता बना लिया या बस पहुँच लिया उन रास्ते में है वट सो एवर क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो कि बहुत ही अनरीज़नेबल है और कुछ बहुत बहुत ही जैसे कहते हैं ना फ़नी सी एक फ़नी सा कुछ कर रहे हैं वो कुछ फ़नी हरकतें चलना शुरू हो गई उनके दरमियान और वो जो कुछ रबते कर रहे हैं उसके बाद तो वाकई उनकी पकड़ होगी वैल well, बहुत कुछ है जानने को बहुत कुछ है जो मैंने थोड़ा सा बयान किया है इंट्रो में बाकी बातें मुझे नहीं पता लेकिन आई वुड लाइक क्या मुझे जरूर बताएं ये थोड़ा सा हंसी आ रही है मुझे कि पे ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने देखा ही नहीं ना हम तो नाइन में है मैं मिस्टर प्लीज पहले आप अपनी बात करें। आप सोने लगा था मैं मुझे सो... आज बहुत इन्फॉर्मेशन दिमाग आज आप सोने लगे थे आप कॉफी पिए नहीं प्लीज दिस इज गोइंग टू योर साइड नाउ मुझे बताए की क्या आपकी शादी भी ऐसी हुई थी कि आपने अपनी बेगम को

तो लेकिन इधर मुझे नहीं समझ आई जो है ना आपके पसंदीदा जो लीडर हैं वो फरमा रहे हैं और मैं अगर आ, गलत नहीं हूँ क्योंकि मैंने टिकर्स गलत नहीं पढ़ रही है तो गालबा ये कोर्ट में बयान दिया उन्होंने ये कोर्ट में बयान दे दिया है कि मैंने शादी से निकाह से पहले कभी बुशरा बीबी को देखा ही नहीं था अच्छा कैसा तो नहीं कि वो अरे? वो करती हैं पर्दा करती हैं तो शायद इस वजह से कह रहे हैं अब जी क्या मैं न्यूट्रल है? मैं साइड नहीं जिसमें ले तो <laughs> तो जिस उनको ये बयान देना पड़ा इंतहा शर्मनाक केस है इस ऐसे केसेस को हम अपने शोज में, अच्छा हम शोज में क्यों ना डिस्कस करें ये केसेस मोज अदालतों में डिस्कस हो रहे हैं वहां पे पटिशन दायर हो रही हैं यानी कि आपके जो फेवरेट करेक्टर हैं दानिश दानिश जो हैं, दानिश मानिका उन्होंने अभी पटिशन दायर की है इद्दत अच्छा में निकाह करने की और इससे पहले एक पटिशन थी वो जो साइल थे और वो जो एप्लीकेंट थे उनने अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली अब खावर मानका जो है वो आ गए हैं मैदान में और उन्होंने एक पिटिशन दायर कर दी कि इद्दत में निकाह किया गया अच्छा जी अब होता कुछ यू है कि हम इस तरह के केसेस तमाम मीडिया पे भी डिस्कस हो रहे हैं अदालतों में उनकी प्रोसीडिंग हो रही है हम जो है नई नस्ल को ये वाला नया पाकिस्तान देने जा रहे थे ये वाला नया पाकिस्तान देने जा रहे थे कि ना हम शर्य तकाज़ों का ख्याल कर रहे हैं ना हम माशरती इकदार का ख्याल कर रहे हैं ना हमने कोई तहजीब का दामन थामा ना हमने कोई तमीज़ छोड़ी गाली कल्चर हमने मुतारफ़ करवाया हमने बगावत का कल्चर हमने मुतारफ़ करवाया हमने बिजली के बिल जलाए याद है ना बिजली के बिल जलाए और अगले दिन अपने घर के बिल जमा करवा दिए पूरी कौम को कहा सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दें और कोई बिल जमा नहीं कराएगा पूरे पाकिस्तान में आइंदा और अपने जवान पार के घर के जो इनकी एक बिल इनकी हमशीरा के नाम और एक बिल इनकी वालदा मोहतरमा के नाम अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे दोनों बिल कल अगले दिन जमा हो गए इसलिए कि बिल जमा नहीं होंगे तो मीटर कट जाएगा यह तजाद है यह तजाद है आपके कोलो फेल में अब आप फरमा रहे हैं कि आपने निका से पहले अपनी आखिरी जो आपकी अहलियां हैं अभी तक उनको देखा ही नहीं था उनको देखा ही नहीं था यार क्या पता सच हो कैसे सच हो कैसे सच हो मेरा ख्याल आप 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 ना पोडकास्ट ना करें आप ना कोई व्लॉग करें जिसमें आप अकेली बोलें और अपनी मर्जी की राय सुना के और एंड पे करें क्या पता सच हो वो बेचारे वो तो इस तरह के हैं ही नहीं इतने इनोसेंट <laughs> इतने मासूम <laughs> नॉर्मल तो बात, तो... तो बात की है। ना 2018 2018 में में क्या किया किया उन्होंने गेम कितना बड़ा आरटीएस बिठा दिया किस प्लान इत... मासूमाना साइफर, साइफर भी आ गया था और वो जो है ना बहुत बड़ी साजिश हो रही थी उसमें अमेरिका भी शामिल था उसमें पाकिस्तान के इस्टेबलिशमेंट भी शामिल थी उसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल थी उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल थी मौलाना फजल रमान जो है ना उसको ड्राइव कर रहे थे उस जहाज को तो वो इतने मासूम है पता है हाँ शायद जब वो मिलते थे उस वक्त तुम्हें याद ही ना रहता हो ये भी तो हो सकता है देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे हो सकता Uh, कई हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनको हम रात को किसी वक्त उनसे डिस्कशन करें फोन पे कोई बात करें तो अगले दिन सुबह हम उनसे डिस्कस करते हैं कि भाई क्या बना तो वो जो हमने प्लान डिस्कस किया था तो वो कहते हैं कि कौन सी कौन सा प्लान और कौन सी बात तो वो हो चुकी होती फोन पे मैं समझ फोन भी ऑन रिकॉर्ड होता है नींद में शायद कहीं सुन सुन लिया समझ गई मैं ठीक है नींद में चलने की आदत होती है ना हाँ ये हो सकता है अब आपको पता है कि जो इनका इनका मुलाजिम है उन्होंने कोर्ट में आज बयान दे दिया है उन्होंने कहा कि मुतद मरतबा मुत्द मरतबा चेयरमैन अच्छा। पी टी आई जो है, जी जी निका से पहले वो आते थे घर पे आते थे और वो उनसे मिलते थे और मोजद दा, अदालत ने आ, अगर मैं गलत ना हूँ मैं माजरा चाहूँगा मैंने ये भी टिकट्स पढ़े कि मोजद अदालत ने उनसे सवाल किया कि जब वो आते थे और जब वो मोहतरमा के पास बैठते थे तो आपको भी पास बैठाया जाता था उन्होंने कहा नहीं आ, मुझे बिल्कुल नहीं पास बैठने की इजाज़त थी आ, ये लोग उठ के कमरे में चले जाते थे और मुझे जो है ना वो बाहर भेज दिया जाता था तो वो उनका बयान ओन चौधरी ने बहुत बड़ा बयान दिया क्योंकि ओन चौधरी कहते है? जो हैं जो है वो इस वक्त एक बड़े लीडर भी है और उनका चोली दामन का साथ था मैं क्राइम पार्टनर का वर्ड यूज नहीं करना चाहता इसको पॉजिटिव वे में अगर लिया जाए पढ़े लिखे आप जैसे लोग इस इस वर्ड को यूज करते हैं तो एक होता है ना आप दाई का वर्ड भी यूज नहीं कर लंगोटिया, करना चाहता। यार। लंगोटिया भी नहीं कहना चाहता वो तो वो तो नहीं थे मगर जितना अरसा उनकी दोस्ती रही जितनी कुर्बत ओन चौधरी के साथ रही चेयरमैन पीटीआई की शायद ही किसी के साथ मैंने वो वाक्य सुनाया था ठीक है मैंने वाक्य सुनाया था कॉफी आई है वो हम पहले लोग मौजूद हैं, हाँ। पहले कॉफी जो है वो है। वो टेस्ट करते थे, पानी की बोतल आई है पहले उन्होंने सिप लेना दरमियान आप करें ना साहब से किसी दिन इंटरव्यू करें वो आपको बताएंगे तो उन्होंने भी बयान दिया उन्होंने कहा ये सदी का सबसे बड़ा झूठ है कि चेयरमैन पीटीआई ने निका से पहले को देखा ही नहीं था हाँ चले कुछ ज्यादा हो गया ना मतलब कहते ना आप इतना प्ले करें के लगे के हाँ वाकई आप स्मार्ट है इतना भी ना करें के लगे के फिर आपने बिल्कुल ट्रैक कम वो करे ना कुछ तो आपको भी नहीं होता आप कहते लगे भी झूठ है सच है इस तरह की सफेद झूठ ही लगे तो कितने मैं आपको वाक़ बताऊं? ये तो ये तो बात हो रही घर की और जब उन्होंने जो आप बता रही थी बनी के नीचे जब घर ले लिया तो कितने लोगों को चेयरमैन पी ने भिजवाया मिलने के लिए कि जाइए फला फला लोकेशन है ये घर है आप जाके मिल के आइए मेरे रेफरेंस से उनको फिर मुझे बताइए कि आपको मिलके कैसा लगा मैं कितनी लंबी लिस्ट आपको दे दूं कितनी लंबी लिस्ट दे दूं फिर कई कंबाइंड मुलाकातें मेरे कई जानने वाले मुलाकातें हुई ओन चौधरी के साथ कई कंबाइंड मुलाकातें हुई जुल्फी बुहारी के साथ कंबाइंड मुलाकातें हुई और एक खातून का मैं जिक्र नहीं करना चाहता उनके साथ कई कंबाइंड मुलाकातें हुई तो कहने का मकसद है कि ये बात करके आपको क्या 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 मिला मसलन क्या साबित करना चाहते हैं आप इससे क्या होगा क्या पहले नहीं मिले थे इससे क्या होगा अच्छा पहले नहीं मिले थे तो इसका मतलब है कि निकाह तो कर सकते निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे मुल्क, कोई को, मुल्क को बजाने की मजबूरी आ गई होगी ना रातों रात, रात खाब देख लिया होगा बुशरा बीबी ने कि आप बस शादी कर ले मुझसे मुल्क बच जाएगा वजीर आजम बन जाएंगे और ख्वाब ये ख्वाब बेचने वाले लोग होते हैं ना मैं ये बड़े खतरनाक होते हैं आपको पता है कुछ लोग ख्वाब बेचते हैं वो आपको एक ऐसा सब बाग दिखाते हैं कि आपको बताएंगे कि बुशरा अगर आप ये, ये हो गया ये तो ये हो, ये ये हो जाएगा तो आप जो है वो पाकिस्तान की जो है वो सबसे पहले नंबर वन एंकर बन जाएंगी उसके बाद फिर आप जो हैं अच्छा इसी की भी तो होता है ना कि लारे लगाना एक वो भी चीज होती है कह सकते हैं अपने वो झांसे में फंसाना और यू ट्राई टू ड्रैग मतलब इसको अपने पीछे लगाना कि हाँ ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये लारे में आपका रेट ठीक है मैंने नोट किया है सही है हाँ। <laughs> शायद आवाम जरा सुकून में आ जाए इस बार कि अच्छा। एक आधा वर्ड तो मेरा ठीक हो गया बेहतरीन है तो ये जो है ना बड़ी मजे का सी बात लगी और एक ऐसे मौके पर जब इतना संजीदा मामला है आप उससे गुजर रहे हैं साइफ़र केस आपको एक सौ नब्बे मिलियन पाउंड की तलवार आपके ऊपर लटक रही है बहुत बड़ा केस है तो उषा खाना जो है उसमें आप आ, जो है आपके आपके सामने है फैसले आ, साइफर केस जो है अभी उसका फ़ैसला आना बाकी है आठ फरवरी इलेक्शन की अनाउंसमेंट है और आप जो अक्सर सवाल करती हैं कोई वजह नहीं है इलेक्शन बर वक्त ना होने की सिवाय इसके कि फरवरी में फरवरी के फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी सेकेंड वीक फरवरी थर्ड वीक ऑफ फरवरी बलुचिस्तान और के, -पी -के, के कुछ इलाके ऐसे हैं केपी बर्फबारी होती, है, हाँ बर्फ बारी होती है और ये टोटल मिला के आज मैं थोड़ा उस पे काम कर रहा था तो चार से पांच हलके जो हैं एन ए के नेशनल असम्बली के चार से पांच हलके वो मुतासर होता वहां पे पोलिंग जो है वो मुश्किल हो जाएंगे नामुमकिन हद तक उन अब चार से से मैटर करते हैं ना चार से पांच सीट्स। काफी हैं जी बिल्कुल exactly. सीट्स हैं। या तो फिर ये आप करेंगे कि उन चार या पांच सीट्स पे आप अप्रैल में इलेक्शन करवाएंगे और अगर एक ही दिन आपने इलेक्शन करवाने हैं तो फिर फरवरी के फौरन बाद कोई नहीं है किसी भी लिहाज से इलेक्शन कमीशन की तैयारी मुकम्मल है सिक्योरिटी इदारे जो हैं right. उनकी तैयारी मुकमल mm. है और इवन हमारे अपना जो है इलेक्शन सेल बड़ी तेज़ी से उसने समा इलेक्शन सेल ने काम शुरू कर दिया है और हाफिज तारिक साहब की सरबराही में तो ये है कि और इफार साहब ग्रेट डिबेट जो है वो कर रहे हैं तो कहने का मकसद है कि इसी तरह तमाम मीडिया हाउसिस इस वक्त हालत तैयारी में है इलेक्शन के हवाले से तो कोई अब आम नहीं है वो जो आपने सवाल किया था एक दिन मैं जरा उसका आज क्लियर करना चाह रहा था सिर्फ वो चार से पांच हल्के हैं जब मौसम आ ठीक मौस, है।, है तो ये है और बाकी वो मैं तो उसको नहीं कह सकता इतना बड़ा लेकिन ओहन चौधरी ने ये फरमाया है कि इस सदी का सबसे बड़ा झूठ बोला है उनके सबक दोस्त और लीडर ने उन्होंने शादी से पहले मोहतरमा को देखा ही नहीं था और वो मुलाजिम ने जो स्टेटमेंट दिया है कोर्ट में वो सारा शायद मैं आपसे डिस्कस नहीं नहीं कर कर सकता नहीं, करनी चाहिए आपको कर तो आप... मुलाजिम के बयान अदालत में बिल्कुल बिल्कुल उसकी के अदालत में खिलाफ मानिका ठीक है मुझे ये बताइए हमाद अजहर आ, हाफिज फरहत साहब ये जो दो शख्स आते हैं नौ मई से ये मफरूर हैं और अब सुनने में आ रहे हैं और जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है मैं चाहती हूँ कि आप उसको क्लियर करें कि क्या कुछ मुश्किल का सामना इनको करना पड़ेगा सही खबर आपकी बिल्कुल सही जन्मनी चल कर है बताएं सही खबर पहुँची आप तक मैं बताता हूं आपको वो एक बड़ी ना सादा सी मिसाल जाती थी कि किसी शख्स को ना इज्जत रास नहीं आती तो कोशिश की गई इनको कोई थोड़ा इज्जत के साथ इजी एग्जिट देने की ठीक है ये दोनों साहबान मफरूर हैं इन्होंने बारहा माफ़िया मांगी और हमाद अजहर जो है उनके वालद जो है एक्स गवर्नर पंजाब है मियाँ अजहर जी उनको भी बुलाया गया सिक्योरिटी इदारों की तरफ से एक से ज्यादा मरतबा पुलिस ने बुलाया पूरा पूरा दिन अच्छा कब हुआ ये ये कंजेक्टिव दो तीन दफा ये वाक हो चुका है, है थीक राइट ठीक है और उन्हें बुला के ये कहा गया कि आप हमाज अजहर को प्रोड्यूस करें और उन्हें पेश करें इससे पहले एक रात जो है ना हमाज अजहर की गिरफ्तारी के लिए बहुत बड़े रेड किए जाते हैं और जीटी रोड पर उनकी एक फैक्ट्री को घेरे में लिया जाता है ठीक है उसकी तलाशी ली जाती है और फिर उसे सील कर दिया जाता है उसी नाम से एक और फैक्ट्री बदामी बाग लौर में उसी नाम से और उसी वक्त साइमटेनियसली दो जगह पे रेड होता है ठीक है ठीक है ठीक है, है। जेटी रोड पे, पे और बदामी बाग में और बदामी बाग वाली फैक्ट्री पे रात एक बजे के बाद ये रेड होते हैं दो दोनों में पूरा सर्च ऑपरेशन किया जाता है लेकिन हमा अजहर वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं अलबत् दोनों फैक्ट्रियों को सील कर दिया जाता है जो बददस्तूर सील हैं आज के दिन भी सील हैं और ये तकरीबन डेढ़ से पौने दो माह पहले का वाक्य जो मैंने आपके साथ शेयर किया है राइट ओके। अब जो है हमाद अज़र की ख्वाहिश ये भी थी कि किसी तरह कोई मामला माफी तलाफी वाला हो जाए और वो आठ फरवरी को होने वाले इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकें अच्छा आपने बैकडोर रबते शुरू किए मैसेजेस कन्वे करने शुरू किए सेम केस विद हाफिज फरत उन्होंने भी कहीं से पैगाम भिजवा के कुछ चीज़ें करके को माफी तलाफी और उनकी किसी हद हाँ तक माफ़ी हो भी गई उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि वो बर नौ मई में उस तरह नहीं थे उनकी बर रास जो ना इन्वॉलमेंट नहीं थी चीज़ों में कुछ इस तरह के विटनेसेस थे भी इदारों के पास उन्हें एक ग्रीन सिग्नल दिया गया कि ठीक है आप को देखते हैं हम ये दोनों मिल कर रहे हैं या अब राब्ते में तो हैं लेकिन एक जगह पे नहीं है ये अलग अलग जगह पे इस वक्त छुपे में ठीक है तरीन इतला हाफिज फरत ने नौ मई वाकियात की मजम्मत करते हुए पी टी आई वाले पी टी आई के कर पिछले तीन चार उन्हें उकसाना शुरू कर दिया पुलिस से बात करें आप इंतजामिया से बात करें कि हमें प्लीज आप ना पीटीआई का टिकट जो है वो लेने दें अपने अपने हलकों में और हमें इजाज़त दे दें और हम जो हैं इलेक्शन से कुछ दिन पहले विड्रॉ कर जाएंगे ये क्या चक्कर है ये क्या ये क्या बात है डर्टी पॉलिटिक्स है पॉलिटिक्स है और इस तरह वो एक ना टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे थे जिस पे बहुत सख्त रिएक्शन जो है उसका सामना उन्हें करना पड़ सकता है किसी भी वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं दौरान प्रोग्राम भी इससे चंद घंटे बाद भी रात को भी अब हर हाल में उन्हें गिरफ़्तार करने की एक जो है मिशन स्टार्ट हो गया। आ, स्टार्ट हो गया और चूंकि आप दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि अगर इतने भयानक एक एपिसोड के बाद उस सयाह दिन की मजम्मत करने वाले जो लोग थे और जिनकी बरह रास्त दानिस्ता नादानिस्ता, किसी तरह की कोई इन्वॉलमेंट थी जियो फेंसिंग में आए फ़ोन कॉल से पता चला उन्हें रियलाइज़ हुआ और उन्होंने तोबा की माफ़ी तलाफी की और उन्हें एहसास हुआ कि यह मुल्क के साथ कितना बड़ा एक भयानक खेल था उस दिन और कितनी एक खौफनाक थी मुल्क की सलामती पर तो आप उनको दोबारा से उसी ग्रोह में उसी गैंग में आप शामिल होने के लिए उकसा रहे हैं और खुद आप छुपते फिर रहे हैं ये ये सेम केस हुआ है जैसे फवाद चौधरी मैंने बताया था कि मुख्तलिफ एम्बेसडर से मुलाकात मुलाकातें कर रहे थे और अंदर अंदरखाने और ब ظاهر उन्होंने आई पीपी ज्वाइन कर रखी थी और उधर जो है वो अपनी कार्रवाई उन्होंने जारी रखी हुई थी इस तरह की सूरत हाल है हम आजाद और... मतलब आप लोग जो भी आ... है, खुल के सामने आए exactly. ये, ये क्या चीज चल रही है श... exactly. मुंह पे कुछ और हो रहा है अंदर से कुछ और खाते खौना अब ये है कि मेरा नहीं ख्याल 90% हम आजाद और हाफिज फरेट आने इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे 90%. ये तो ऐसे लग रहा जैसे क्लास में बच्चे शरारत नहीं करते हैं चीटिंग करते हैं हुँ. तो टीचर चीटिंग चीटिंग uh, अच्छा वर्ड यूज किया cheating. तो वो क्लास के बाहर टीचर खड़ा कर देती है आप लोग जरा एग्जैक्टली टर्मिनेट होंगे या सस्पेंड होंगे या तीन दिन के लिए आप लोग पेपर्स में नहीं बैठेंगे या फेल होंगे या वट्स तो ये वो मतलब मुझे लगता है जैसे ना प्ले ग्रुप में कुछ चल रहा है मुझे बताएंगे मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या चल रहा है इतने लड़ाई झगड़े इतनी टसल इतने क्लैशे टिकटो पर लड़ाई हो रही है तो जाहिर है क्यों ना हो भाई क्यों ना हो मुस्लिम लीग नून की और तो किसी लड़ाई है ही नहीं तो आपस में, में।, में नहीं रही है खत्म तो हो है। है जब किसी के साथ नहीं है लड़ाई तो फिर आपस में घर में ही होनी है ना <laughs> भाई उन्हें तो प्लेट में रख के मिल रहा है सब कुछ उन, उनकी किसी के साथ लड़ाई नहीं है अब किसी के साथ किस किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ना उन्होंने एक आई पी पी बची है बाकी पीपल्स पार्टी तो उनके साथ फिक्स मैच खेल रही है ये जितने आप बिलावल भुटो जरदारी के बयान देख रहे हैं आसफ अली जरदारी के बयान देख रहे हैं

ियम नवाज ने कुछ किया तो उसके पीछे पीछे वो भी टिशू पकड़ लिया उन्होंने भी उन्होंने कुछ किया तो उसी तरह उन्होंने वो वो अच्छा अब हुआ ये इनके आपस में फटे पड़ गए बहुत ज्यादा नून लीग में टिकटों पर इसलिए लड़ाई है कि इलेक्शन सीधा हो गया ना एक बात बताऊ आज आपको अगर नौ महीना हुआ होता तो ये जितने लोग इस वक्त टिकटों के लिए लड़े रहे इनमें से आधे से ज्यादा भाग जाते ये इलेक्शन ही नहीं लड़ते ये वाला। ये वाला वाला इलेक्शन लीग के बड़े बड़े लीडर ना लड़ते किडनी दर्द का बहाना करके सीने में दर्द का बहाना करके सर दर्द का बहाना करके मुल्क से बाहर चले जाते ये इलेक्शन ही ना लड़ते जो सूरत हाल थी जो सूरत हाल थी वो तो पासा पलटा ना बिल्कुल बिल्कुल तब हो गए बिल्कुल और अब देखिये बदकिस्मती है कि आप निजी महफलों में ये बातें आपने कर भी दी कि हम ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे ठीक है अब हालात यकसर तब्दील हुए एक कुदरत ने जो है ना वो निज़ाम को बदला और आज एक सीधा इलेक्शन दे के आपको इतना ज्यादा एक एक लालच इकदार की और हो यह रहा है कि मुख्तलिफ लोग अपने अपने फैमिली को अपने खानदान के लोगों को टिकट दिलवाने के लिए इस लड़ाई में मैं आपको नाम बताना शुरू करूं आप सर पकड़ के दो दो भाई, भाई मुझे याद आया एसन इकबाल की लड़ाई चल रही है वो अपने बेटे को इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं हनीफाबासी की लड़ाई चल रही है चौधरी जाफर मंदोखेल है चौधरी तनवीर है शेखपुरा से आप तारड़ खानदान ले लें आप खोखर बरादरी ले लें आप राना खानदान ले लें लगारी खानदान ले लें आप ये शेख शेख बरादरी ले लें ये तमाम लोग अपनी अपने अपनी अपने, आपको छोटा सा वाकया बता देता हूँ हम लोग जब मियाँ साहब आ रहे थे तो उनके साथ जो दो सारे दोस्त आए थे जो दुबई भी हां जी, हां रुके और सारे गोजरा वाला डिवीजन की सूरत यार इस वक्त इतनी खराब है इतने फटे हैं वहां पे कुछ सीट्स पे कि एक शख्स को फौरी तौर पे दो दिन पहले लंदन से लाहौर पहुंचना पड़ा सिर्फ अपने भाई की टिकट के लिए उस भाई की टिकट के लिए चार साल से नवाज शरीफ एक एमपीए के टिकट के लिए जो वादा करते आए कि ये आपके भाई ही लड़ेंगे और, और, और अभी वो डामाडोल हो गए अभी वो दूसरे धड़े आए हैं तो भाग भाग

उन्हें जो है ना वो लटका दिया गया हवा में मैं एक एग्जाम्पल दी है एक मिसाल सिर्फ ये है अच्छा हो क्या रहा फिर अब करना आप करेंगे क्या करेंगे क्या जो ज्यादा चंदा देगा उसको देंगे ठीक है ज्यादा फंड देगा उसको देंगे या वो कैलकुलेटर लेके बैठ जाएंगे पिछले चार साल में किसने कितना खर्चा किया उसकी बेस पे देंगे यहाँ पे क्या, क्या फायदा होगा देखें मैं समझता हूं कि जो सीनियर लीडरशिप है इतने आसान इलेक्शन में उनको नए लोगों को मौका देना चाहिए अगर मेरिट पे बात करें, mm. जो दर्जनों इलेक्शन लड़ चुके हैं दर्जनों मरतबा पार्लियामेंट में रह चुके हैं वजारतों में रह चुके हैं नैबे भुगत चुके हैं एंटी करप्शन भुगत चुके हैं उनको चाहिए कि नए लोगों को मौका दें नई लीडरशिप जो है वो सामने आए मगर ऐसा नहीं है आप बात करते हैं मरूसियत की तो ये भी मरूसियत ही है अगर शरीफ खान वजारत उजमा जो है वो शरीफ खानदान से बाहर नहीं जा सकती तो ऐसे इकबाल साहब ने फैसला कर लिया कि एने की फलां सीट हमारे घर से बाहर नहीं जा सकती अजीज इस वक्त जो है वो जहर उगल रहे हैं तो हालात मुश्किल थे तो आपको लड़ने को तैयार नहीं था उस वक्त भी फटे आइए अब और अब और जब इलेक्शन आपस के अख्तलाफा तो मेरा ये था कि मियाँ नवाज शरीफ जो है ना उनकी शख्सियत में है कि exactly. अगर वो आ जाएंगे पाकिस्तान और मौजूद होंगे ग्राउंड पे तो चीजें जुड़ जाएंगी जी लेकिन मेरा अंदाजा गलत अब तक साबित हो रहा है मुझे लग रहा है कि बहुत से हलकों में इश्यूज हो जाएंगे इनको इन, हाँ नहीं जी। आ, जिस अपने जिस मेन बंदे को टिकट नहीं देंगे वो आजाद खड़ा हो जाएगा इनके खिलाफ ये तो है ये तो होगा वो वो आजाद नहीं होगा जी वो आजाद खड़ा हो जाएगा और वो नून लीग का वोट डिवाइड होगा और दूसरी पार्टी इस, इस सीट निकाल सकती है उसमें आई पी पी को फायदा हो सकता है उसमें पीपल्स पार्टी को फायदा हो सकता है

Hmm. अदालत में इमरान खान के खिलाफ ऑफ कैमरा बता दो ठीक um, है चले मैं ऑफ कैमरा सुन लेती हूँ कभी या फिर आपकी भी बारी आ जाएगी नेक्स्ट टाइम इंशाला जस्ट स्टे ट्यून विद इफ यू गाइज वॉन्ट टू नो दैट वेल थैंक यू फॉर बिंग हेर टूडे एंड ऑफकोर्स टू आर ऑडियंस एज ऑलवेज बट डू नॉट फोरगेट टू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब आर सम अ पॉडकास्ट एंड ऑल्सो जस्ट लेटस नो इफ यू टू नो अबाउट एनी थिंग विच इज स्पेसिफिक वेयर एज आई एम जस्ट लिविंग ऑफ राइट नाउ Stay tuned, I'll catch up with you guys till we get to the next episode. Bye bye.